Good morning, students. Yesterday we did worksheet one of unit three. Today we are going to do some other worksheets for that. Okay, beta? But you have to solve these worksheets in your book, in book with pencil. Okay, bacha. See here, worksheet two. Add the following. First question is here. Thousand, hundred, tens, ones places are given as you wrote down in notebook. 7 plus 2. Now, how many fingers will you open? 2. And we will count after 7. 8, 9. So, write down 9 here. After 1, you will open 7 fingers and count down after 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Clear? 4 and 3. How many fingers will you open? 3. And you will count after four. Five, six, and seven. Write down seven here. Then after three and five. After three, you will open five fingers. Four, five, six, seven, and eight. It's my answer here. I am solving only one question. You will solve all the questions by yourself. And check down the answers from this. आप आंसर भी इनमें से चेक कर लेंगे आस्क योर पेरेंट्स टू चेक इट आल्सो और टिक कहाँ लगवाना है बेटा इस जगह पे क्वेश्चन नंबर करेक्ट ओके बेटा करेक्शन करवाने के बाद टिक यहां लगवाना है पापा मम्मी से पेंसिल से सॉल्व करने हैं और टिक यहाँ लगवाना है आपने नहीं लगाना टिक जो भी आपके घर में बड़े हैं वो आंसर चेक करेंगे उसके बाद यहाँ टिक लगाएंगे नंबर पे ओके okay? देन वर्कशीट नंबर टू फर्स्ट क्वेश्चन इज है थाउजेंड हंड्रेड एंड वंस द स्टेटमेंट इज है वैसे ही करेंगे two है कितनी फिंगर्स ओपन करेंगे five, तो क्या होगा टू के बाद फाइव और गिनो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन लिख दिया यहां दिस इज नाइन एंड थ्री में टेंस वाला जोड़ना है कितने फिंगर्स ओपन करेंगे हम थ्री आफ्टर नाइन नाइन के बाद काउंट करो टेन इलेवन एंड कैरी वाला so we'll write place, यहां लिखेंगे, tens को ऊपर कैरी अब क्या करेंगे सिक्स एंड वन सेवन सेवन में कितनी फिंगर और खोलेंगे फोर सेवन के बाद काउंट करो एट नाइन टेन एंड इलेवन वन यहाँ लिखा वन कैरी फोर एंड वन फाइव टू नीचे और एट टू तो फिंगर और ओपन करो सिक्स सेवन इट इज माई आंसर अब जब आप ये पूरी वर्कशीट सॉल्व कर लें यू कैन चेक इट फ्रॉम हेअर और आस्क यूर पेरेंट्स टू चेक इट और पेरेंट्स चेक करेंगे उसके बाद यहाँ पे टिक लगाएंगे मुझे आपका ये डबल क्लिक डबल टिक लगा हुआ चाहिए बेटा पेरेंट्स का जो भी घर में बड़े हैं उन सम्स को चेक करके इस पर डबल टिक लगा हुआ होना चाहिए उनका ओके बेटा यू विल सॉल्व वर्कशीट टू थ्री एंड सिमिलरली वर्कशीट फोर आल्सो, ऐसे ही वर्कशीट फोर भी आप सॉल्व करेंगे वन प्लस थ्री फोर फोर में आप फाइव फिंगर और ओपन करो फोर के बाद फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन लिख दिया यहाँ टू एंड नाइन इलेवन इलेवन में कितनी फिंगर और थ्री ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फोर यहाँ लिखा वन कैरी नाइन एंड वन टेन टेन एंड टू ट्वेल्व ट्वेल्व में फोर और ऐड किया थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन, सिक्स यहाँ लिखा वन कैरी सिक्स एंड वन सेवन एंड वन एट इट्स माय आंसर ये वर्कशीट भी करने के बाद आप पेरेंट्स से कहेंगे वो इसको चेक कर देंगे योर टूडेज होमवर्क एज वर्कशीट टू थ्री एंड वर्कशीट टू थ्री फोर कहाँ करनी है बेटा बुक में कहाँ करनी है बुक में अब एक चीज और देखेंगे वर्कशीट फाइव देखो पढ़ो इसको फिल इन द ब्लैंक्स अब आज डेट क्या है बेटा मई ट्वेल्व हर वर्कशीट पे ये डेट जरूर डालते जाएंगे आप हर वर्कशीट पे आपको ये डेट जरूर डालनी है मई ट्वेल्व टू जीरो वर्कशीट कि हमने ये इस डेट को की थी डोंट लीव एट विदाउट पुटिंग डेट डेट जरूर डालेंगे बेटा इसमें देखो वर्कशीट नंबर फाइव फिल द ब्लैंक्स बीच में इक्वल टू का साइन है आपको देखो अब एग्जाम्पल देखे हम टू प्लस फोर टू में फोर प्लस किया क्या आंसर आता है Six. अगर मैं फोर में टू प्लस करूं तो भी आंसर क्या आएगा सिक्स मतलब ये दोनों क्या होंगे इक्वल ना मतलब टू प्लस फोर इज इक्वल टू फोर प्लस टू इट मींस फर्स्ट और सेकेंड टर्म का हम इंटरचेंज करके भी लिख देंगे तो भी मेरा आंसर प्लस करने के बाद सेम आएगा यही आपकी एक्सरसाइज अब देखो ये क्या है थर्टी वन प्लस थर्टी थ्री इक्वल टू डैश प्लस थर्टी वन अब देखो इस साइड क्या क्या लिखा हुआ है थर्टी वन एंड थर्टी थ्री इधर क्या लिखा हुआ है थर्टी वन क्या रह गया थर्टी थ्री हम लिख देंगे नेक्स्ट एटी फोर प्लस फोर्टी सिक्स इधर क्या लिखा हुआ है फोर्टी सिक्स तो राइट साइड में और क्या आ जाएगा एटी फोर सी पार्ट फाइव हंड्रेड ट्वेंटी सेवन प्लस डैश ज इक्वल टू फोर हंड्रेड एट्टी सेवन प्लस फाइव हंड्रेड ट्वेंटी सेवन तो इस साइड लेफ्ट साइड क्या नहीं है फोर हंड्रेड एट्टी सेवन तो वो मेंशन कर देंगे क्लियर बच्चा ऐसे डी पार्ट आप अपने आप करेंगे अब देखो नाइनटी थ्री प्लस डैश इज इक्वल टू जीरो नाइनटी थ्री में क्या प्लस करूंगी नाइन्टी थ्री आ जाए कुछ भी नहीं तो क्या आ गया जीरो ऐसे ही डैश प्लस एट हंड्रेड फिफ्टी एट इज इक्वल टू एट हंड्रेड फिफ्टी एट 1858 में क्या प्लस करूं कि 858 आ जाए जीरो जीरो में क्या प्लस करूं कि जीरो आ जाए जीरो यू विल सॉल्व टेल द पेज 31 31 पेज तक आप सबकी बुक पूरी सॉल्व हो जानी चाहिए थैंक यू सो मच आपका ये वर्क कंप्लीट होना चाहिए बेटा मैथ्स में आज की डेट में इवनिंग तक इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू और होमवर्क सभी अपडेट कीजिए मैंने पहले भी कहा है डेली के आपके होमवर्क के मार्क्स लग रहे हैं आप सभी होमवर्क सेंड नहीं कर रहे बेटा जो बच्चे होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हैं बेटा आपका होमवर्क चेक नहीं हो पाएगा इट विल नॉट बी गुड और अच्छे बच्चे ऐसे नहीं होते अच्छे बच्चे तो अपना होमवर्क जरूर भेजते मैम करेक्शन बताएगी ना तभी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी मैम को पता चलेगा मेरे बच्चों को क्या आया क्या नहीं आया फिर आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो सभी सभी होमवर्क मेरे नंबर पे मैथ्स का ज़रूर सेंड करेंगे आज का होमवर्क क्या है वर्कशीट टू थ्री फोर एंड देन फाइव वर्कशीट थ्री के जो सम्स हैं क्वेश्चन नंबर टू अरेंज इन कॉलम एंड एट द फॉलोइंग ये हमने नोटबुक में करने हैं अभी नहीं करने मैं कराऊंगी आपको वेनसडे को ये वेनसडे को करेंगे आज ट्यूसडे का होमवर्क सिर्फ बुक में करने के लिए है जो बुक का वर्क है वो आप सभी कंप्लीट कर लेंगे ओके okay, बेटा बाय टेक केयर स्टे सेफ